हाय एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। इसमें लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन शुरू किए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल फार्मूला दो तरह का देख चुके थे कि कंडेंस्ड फार्मूला में एटम्स तो सभी दिखाई देते हैं, लेकिन सारे एटम्स के बीच का हर बॉन्ड दिखाई दे या ज़रूरी नहीं है। और स्ट्रक्चरल में सभी एटम्स दिखाई देंगे, एटम्स के बीच का हर बॉन्ड दिखाई देगा। यदि कोई हेट्रो एटम है तो उस पर लोन पेयर भी दिखाए जाएंगे। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे ना, वहाँ कंडेंस्ड में दिया रहता है, तो कंडेंस्ड को स्ट्रक्चरल में बदलना बहुत ज़रूरी है और समझना है उसको। अब जैसे मान लो कि कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ हो, CH3 का होल टू CF2, कहीं कोई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह कंडेंस्ड फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका लाना होगा। तो याद रखोगे कि जब ऐसे कोई कंपाउंड हो जिसमें कि ब्रैकेट वगैरह आ जाए, तो इसमें से ब्रैकेट के बाहर जो कार्बन है वह मेन होता है, और ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसीज है ना, वह बाहर वाले कार्बन से जुड़ेगा। इतना सा बात याद रखोगे। तो यह CH3 है। अब CH3 का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं क्या, कि कार्बन और इसमें ऐसा 3 हाइड्रोजन, इस तरह से एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। अभी ऐसा ऐसा ग्रुप 2 है, मतलब कि यह होल 2, फिर बाहर में कार्बन और F2। तो ब्रैकेट के बाहर जो कार्बन है उसको मेन कंसीडर करना है। तो कार्बन हुआ, इसके साथ 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, दिखा दो। अब ऐसे ऐसे ग्रुप्स कितने हैं, 2, तो जोड़ दो 2 या सिंगल बॉन्ड से। कार्बन, इसमें 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन और इसमें 3 हाइड्रोजन। अब देखो, CH3 में या कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं दिखाया जाएगा, ध्यान रखोगे। अब अंडरस्टूड है, CH3 लिखा वो मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन 3 बॉन्ड से, मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड को अलग से दिखाना अब जरूरी नहीं है। समझ चुके हैं हम लोग, तो जरूरी नहीं है। मतलब इसी चीज़ को डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3 कार्बन, CH3 फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। अब फ्लोरीन एक हेट्रो एटम है, लोन पेयर होगा कितना, तो फ्लोरीन का वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 2 और 7, अब 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में है, बॉन्ड एक बना रहा है, तो 6 बचेंगे, 2 4 6 2 4 6, ऐसा। तो ऐसा दिया हुआ हो कंपाउंड, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से हम लोग करेंगे। फिर मान लो कोई कंपाउंड हो CH3 का होल 3 CH2 का होल 3 CONH2, मान लो ऐसा, और इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करना है हमें। ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, अभी क्या बताया हम कि ब्रैकेट्स होंगे, तो इसमें ब्रैकेट के बाहर जो कार्बन होगा उसे मेन कंसीडर करना है। तो ब्रैकेट CH3 3 है, इसको नहीं देखो, ब्रैकेट के बाहर जो कार्बन है उसे देखो। तो इस कार्बन को हम लिख दिए। अभी इस कार्बन में जुड़े हुए हैं 3 CH3, और CH3 का मतलब ऐसा कि कार्बन का 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, बस एक बॉन्ड उसका खाली है। तो CH3 जब भी जुड़ेगा किसी से तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब टोटल 3 CH3 है, तो तीनों को इस कार्बन से जोड़ दिया जाए। CH3 हाइड्रोजन को अलग करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है, CH3 CH3, अब एक बॉन्ड इसका हुआ खाली। अब फिर है CH2 का होल 3, यहाँ था CH3, यहाँ है CH2, दोनों में अंतर समझो। CH3 है, इसका मतलब इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं हाइड्रोजन से, तो एक बॉन्ड खाली है, मतलब यह हुआ मोनोवैलेंट। लेकिन वही CH2 ले लो, तो एक कार्बन के 2 ही बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन से, इसका मतलब इसके 2 बॉन्ड्स खाली हैं, मतलब ये हो गया डाइवैलेंट। तो इसका मतलब हुआ कि CH3 जब किसी से जुड़ेगा तो एक ही जुड़ सकता है, कहने का मतलब कि कोई एक साइड से, लेकिन यहाँ दोनों तरफ बॉन्ड खाली है, मतलब CH2 के इस तरफ भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रह सकता है, इस तरफ भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रह सकता है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ जुड़े हुए रह सकते हैं इसमें दोनों साइड। तो कहने का मतलब कि CH2 एक डाइवैलेंट ग्रुप है, CH3 एक मोनोवैलेंट ग्रुप है। तो CH2 यदि ऐसे ब्रैकेट में होगा ना, देखो ऐसे CH2 लिख दिया हमने, तो कार्बन हम क्या बोले, 2 बॉन्ड इसका फ्री है, तो एक बॉन्ड तो इधर बन गया, तो एक बॉन्ड और फ्री होगा, तो फिर एक CH2 और लिखो, फिर इसका एक बॉन्ड और फ्री, एक CH2 और है,
फिर इसका एक बोन और फ्री। कहने का मतलब कि सी एच टू जब ब्रैकेट में हो तो देख रहे हो ना सी एच टू रिपीट कर रहा है, ऐसे आप सी एच थ्री को नहीं लिख सकते हो, सी एच थ्री फिर सी एच थ्री फिर सी एच थ्री ऐसे नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इस बीच वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन के तीन बॉन्ड तो बने हुए हैं हाइड्रोजन से, फिर इधर एक बन गया चार, इधर एक बन गया पाँच, टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? पाँच। अब पहले भी मैंने बताया अभी कि सी एच थ्री मोनोवैलेंट है तो इसके अगल बगल दोनों तरफ बॉन्ड नहीं हो सकते हैं। तो मोटा मोटी समझना यह है कि यदि ब्रैकेट के अंदर सी एच थ्री है तो जितने भी सी एच थ्री होंगे उन सभी को एक ही कार्बन से जोड़ोगे। तीन सी एच थ्री था, मैक्सिमम तीन ही होगा ब्रैकेट के अंदर, या चार हो सकता है यदि एक कार्बन रहा तो। तो जितने भी सी एच थ्री होगा वे सभी सी एच थ्री एक ही कार्बन से जुड़ेंगे, लेकिन यदि ब्रैकेट के अंदर सी एच टू है तो फिर जितने सी एच टू होंगे वह एक कार्बन से नहीं जुड़ेंगे बल्कि वे उतना बार आगे बढ़ते जाएंगे। तो सी एच टू का होल थ्री, इसका मतलब सी एच टू सी एच टू सी एच टू तीन बार आगे। यदि सी एच टू का होल टेन रहता तो हम लोग सी एच टू सी एच टू सी एच टू दस बार आगे लिखते जाते, सी एच थ्री को नहीं लिख सकते हैं। क्यों? बता दिया हमने, सी एच टू डाइवेलेंट है इसलिए दोनों तरफ बॉन्ड्स होंगे, सी एच थ्री मोनोवेलेंट है कोई एक तरफ बॉन्ड होगा, और बाकी बात तो समझ ही गए क्या है। तो सी एच थ्री का होल थ्री था तो इस कार्बन से तीन सी एच थ्री हमने जोड़ा, सी एच टू का होल थ्री है तो तीन सी एच टू को हम लोग आगे लिखे। अब फिर यहाँ आ गया कार्बन, अब इसके साथ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड मोस्टली, तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ो। अब यह कार्बन का बॉन्ड गिनो, एक दो तीन बॉन्ड्स हुए, एक बचा हुआ है तो नाइट्रोजन के तरफ एक, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है ना जनरली, वह तीन बॉन्ड बनाता है तो अभी एक बॉन्ड बना, दो बॉन्ड बचा हुआ है, इसका मतलब ये दो बॉन्ड किसके साथ बनेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो इस कंपाउंड का ये हुआ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। लोन पेयर दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ऑक्सीजन पे दो यहाँ एक, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सात, वैलेंस शेल में पाँच इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना रहा है तीन, तो बचेंगे दो, मतलब एक लोन पेयर बच जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, नाम लिखना हो या कुछ और करना हो ऐसे लिख करके देगा, तो जब तक इस कंपाउंड को आप ऐसे नहीं बदलोगे स्ट्रक्चरल में तब तक फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए स्ट्रक्चरल फार्मूला में बदलने के लिए सीखना बेहद ज़रूरी है, अनिवार्य है। और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अब जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड ऐसा हो सी एच थ्री का होल थ्री सी का होल फोर सी, बहुत सारा ब्रैकेट आ गया ना छोटा बड़ा, तो ऐसे छोटा ब्रैकेट भी आ जाए बड़ा ब्रैकेट भी आ जाए, तो मैथमेटिक्स में जो रूल है कि पहले छोटा ब्रैकेट को हटाया जाता है, उसके बाद यदि कर्ली ब्रैकेट है तो वो हटेगा, उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट हटेगा, सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग ये छोटा ब्रैकेट को हटाएंगे, तो छोटा ब्रैकेट हटाओगे तो देखो ये छोटा ब्रैकेट के बाहर क्या है, वो मेन हो जाएगा। तो ये छोटा ब्रैकेट के बाहर में यहाँ एक कार्बन है तो ये कार्बन हुआ मेन। अब इस कार्बन में सी एच थ्री जुड़ेंगे कितने? तीन जुड़ेंगे, सी एच थ्री तीन जोड़ो। तो सी एच थ्री के बारे में अभी बताया कि यह मोनोवैलेंट ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो अगल बगल तीन सी एच थ्री जोड़ दो, एक दो तीन, हो गया तीन सी एच थ्री। तो यह तो केवल इतना का हुआ ना कि कार्बन था तो आप कार्बन लिखे, इससे तीन सी एच थ्री जुड़े थे, एक दो तीन, यहाँ खाली छोड़ो क्योंकि चौथा बॉन्ड इसका तो बनेगा ना, तो तीन इधर उधर बने हुए तो एक बॉन्ड रह जाएगा। अभी पूरे का है होल फोर और बाहर में फिर है कार्बन, तो छोटा ब्रैकेट तो अब हट गया, अब बड़ा ब्रैकेट बचा, तो अब ब्रैकेट के बाहर क्या बच रहा है? यह कार्बन, तो आप इस कार्बन को लिख दो। अब इस कार्बन में ऐसे ऐसे चार ग्रुप्स हैं, जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसमें तीन सी एच थ्री, एक दो तीन, एक हुआ ऐसा ही और जोड़ो सी एच थ्री, या दो ग्रुप हुआ वैसे इधर भी जोड़ दो, तीन हुआ और ऐसे ही इधर भी जोड़ दो, चार हुआ। अच्छा कैसे किए?
पहले इस छोटा ब्रैकेट को हटाए, इसके बाहर कार्बन था, कार्बन लिखे, तीन सी एच थ्री था, तीन सी एच थ्री को जोड़ा हमने, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली बचा। अब ऐसे ऐसे ग्रुप चार हैं, चार बाहर में कार्बन है, कार्बन, अब ऐसे ऐसे चार ग्रुप्स इस कार्बन में जुड़ेंगे, तो इस कार्बन को हमने मेन लिया ब्रैकेट के बाहर जो है, और ये चारों ग्रुप को जोड़ दिए, तो चारों ग्रुप मतलब कैसा ग्रुप था, कार्बन में तीन सी एच थ्री, तो कार्बन तीन सी एच थ्री, 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 ऐसे करें हो गया इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। और भी ऐसे देखेंगे हम लोग, क्योंकि यह सीखना बेहद ज़रूरी है, कंडेंस्ड को स्ट्रक्चरल में नहीं बदल पा रहे हो तो फिर परेशानियाँ होंगी। ऐसा कोई कंपाउंड है सी एच थ्री सी सी टू एच फाइव का होल टू सी एच टू का होल टू और सी सी टू एच फाइव का होल टू, ऐसा कोई कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, कंडेंस्ड फार्मूला में लिखा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग लिखेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग लिखेंगे। कैसे, ब्रैकेट को हटाते जाओ, तो पहले बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है, इसको हटाएंगे, पहले लिखते जाओ सी एस थ्री है सी एस थ्री, यहाँ कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो हमें तो पता है कि सी एस थ्री मोनोवैलेंट ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ क्या है कार्बन। अब देखोगे कि ब्रैकेट के अंदर है सी टू एच फाइव का होल टू, ठीक, कार्बन का भी एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड चलो और आगे बनेगा क्योंकि आगे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, फिर भी दो बॉन्ड बच रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ये दोनों ग्रुप्स इसी में जुड़ेंगे, तो एक ऊपर जोड़ दो सी टू एच फाइव, एक नीचे जोड़ दो सी टू एच फाइव, सो व्हाट इज़ दिस सी टू एच फाइव, देखो दो कार्बन पांच हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पाँच, ऐसा मतलब ये हुआ सी एच थ्री सी एच टू, और इसी को हम लोग लिख रहे हैं सी टू एच फाइव सी एच थ्री सी एच टू, तो इसी को और एक्सपेंड करके आप लिखोगे तो ऐसे लिख दो सी टू एच फाइव को सी एच टू सी एच थ्री, ध्यान रहे ऐसे नहीं लिखना है, बीच में सी एच थ्री और सी एच टू ऐसे नहीं लिख दोगे, क्योंकि ऐसा करने से इस कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे तीन चार पाँच और इसके बॉन्ड हो जाएंगे दो और एक तीन, जबकि इसका चार होना चाहिए, इसका भी चार, तो ऐसे लिखा जाएगा, मतलब जिसका बॉन्ड खाली है ना कार्बन को उसी से जोड़ोगे। और एक बात तो याद ही रख लेना कि सी एस थ्री हमेशा टर्मिनल ग्रुप होता है, मतलब सी एस थ्री हमेशा किनारे में होता है, तो कन्फ्यूज नहीं करना है, सी टू एच फाइव का मतलब हुआ सी एच थ्री सी एच टू, और यह सी एच टू ही किसी से जुड़ेगा क्योंकि इसी का एक बॉन्ड खाली है, इसका तो पूरा है, सी एस थ्री हमेशा किनारे रहेगा, बस इतना सा बात याद रखना। तो ये यहाँ हो गया सी एच टू सी एच थ्री, अब फिर चलो सी एच थ्री था सी एच थ्री लिखा हमने, कार्बन था कार्बन लिख दिए, दो सी टू एच फाइव था तो सी टू एच फाइव का मतलब समझे सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, अगेन आगे यह सी एच टू है, तो ये कार्बन के चार बॉन्ड्स तो पूरे हुए, सबका पूरा है, इसका देखो एक इधर और दो हाइड्रोजन से तीन बॉन्ड, मतलब एक खाली है, और यही वाला ग्रुप दो है, तो पूरा का होल ब्रैकेट टू, यहाँ कार्बन और फिर अब इधर आ जाओ सी टू एच फाइव का होल टू, अब दोनों ब्रैकेट एक साथ हटा दो, इसको हटा दो, इसको भी अलग से हटा दो, तो अब ब्रैकेट के बाहर जो बच रहा हुआ केवल यह कार्बन बच रहा है, तो इस कार्बन को लिख डालो। अब इस कार्बन में दो सी टू एच फाइव जुड़े हुए हैं, सी टू एच फाइव का मतलब अभी बताया मैंने सी एच टू सी एच थ्री, तो जोड़ दो सी एच टू सी एच थ्री, एक इधर भी जोड़ दो सी एच टू सी एच थ्री, और ऐसे ऐसे दो ग्रुप्स, ऐसे मतलब कैसे, सी एच टू है जिसका बॉन्ड खाली है जो जुड़ेगा, तो यहाँ बॉन्ड से लिखो सी एच टू, फिर बगल में बॉन्ड, फिर कार्बन, इसमें ऊपर नीचे सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ भी सी एच टू सी एच थ्री, और फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, तो ये पूरा एक ग्रुप हुआ ना, ऐसा ऐसा दो है तो एक और जोड़ो, तो ऐसे ही जोड़ोगे, देखो यहाँ एक कार्बन के बगल में सी एच टू है, तो एक कार्बन के बगल में सी एच टू, उसके बगल में कार्बन है, इसके बगल में कार्बन, इस कार्बन से दो दो जुड़ा हुआ है ऐसा ग्रुप, तो दो दो ग्रुप कहीं भी जोड़ दो, इधर उधर इधर कहीं भी, तो जैसे मान लो एक यहाँ जोड़ दें सी एच टू सी एच थ्री, एक यहाँ जोड़ दें सी एच टू सी एच थ्री, ये दोनों ग्रुप को हमने जोड़ा, अब एक सी एच थ्री बच गया तो एक को यहाँ लिख दो, तो
तो यह हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका, इस कंपाउंड का। पहले एकक करके ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट के बाहर देखना क्या है, और हमेशा ब्रैकेट के बाहर वाला ही मेन होते जाएगा। और एक नया चीज़ यहाँ C2H5 के बारे में हमने सीखा, CH2 CH3, जिसमें CH2 हमेशा जुड़ेगा, CH3 विल बी ऑलवेज टर्मिनल ग्रुप, हमेशा वह टर्मिनल रहेगा। अच्छा, तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है CH3 का होल 2 CH, CH2 का होल 3 का होल 2 कार्बन, इधर भी ब्रैकेट है CH3 का होल 3 का होल 2, यह पूरा एक ही कंपाउंड है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है, इसको स्ट्रक्चरल में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, बस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा ब्रैकेट है तो उसको हटाते जाओ, ये छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर क्या है CH लिख दो, दो CH3 है, CH3 हमेशा टर्मिनल इसी से जुड़ेगा, ऐसा जोड़ दिया हमने। अभी कार्बन का बॉन्ड गिनो, एक दो, एक हाइड्रोजन से 3, तो 4 होता है ना, मतलब एक खाली है। CH का CH लिखा गया, दो CH3 थे, दो CH3 लिखा गया। अब CH2 का होल 3, तो क्या बताया कि CH2 डाइवेलेंट ग्रुप है, ये एक के बाद एक आगे लिखाते जाएगा, तो CH2 का होल 3 है, मतलब कि CH2 आप 3 बार लिखोगे, ऐसे इस तरह से लिखोगे। और अब इसका एक बॉन्ड खाली बचेगा, क्या कि बाकी के तो 4-4 हो गए, इसका बच गया, अभी पूरा ग्रुप है 2, तो होल 2 बाहर में कार्बन। अब इधर सॉल्व करो, ब्रैकेट में CH3 बाहर में कार्बन, तो बाहर वाला कार्बन मेन हुआ। अब इसमें 3 CH3 है, 1 2 3, तो ये कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड्स हुए, एक बच गया 4, और ये पूरा ग्रुप 2 है तो लिख दिया हमने 2। फिर से बता देते हैं, CH को लिखा गया, 2 CH3 थे जोड़ दिया गया, CH2 का होल 3 मतलब CH2 तीन बार लिखे गए, पूरा ग्रुप 2 है तो 2, बाहर कार्बन कार्बन। फिर इसको हमने सॉल्व करा कि कार्बन इससे 3 CH3, कार्बन इससे 1 2 3 CH3, एक बॉन्ड इसका बच गया, और ऐसे वाले ग्रुप्स भी कितने हुए 2। अब केवल स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ बच रहा है और ब्रैकेट के बाहर मात्र एक यह कार्बन है, तो लिख दो इस कार्बन को सर्वप्रथम। अब इस कार्बन से ऐसे ऐसे दो ग्रुप्स हैं, पहले इसको जोड़ लिया जाए। कार्बन में 3 CH3, देखो इसका बॉन्ड खाली है, तो कार्बन में 3 CH3, ऐसा। सेम ग्रुप एक और है तो सेम ग्रुप को ऊपर लिख दो, कार्बन में 3 CH3, ऐसे दो ग्रुप हो गए ना, दो ग्रुप एक उधर जुड़ गया। अब यह ग्रुप भी 2 जोड़ना है, तो ये ग्रुप कैसा है देख लो, बहुत बड़ा सा ग्रुप है, CH2 से बॉन्ड आया है, CH2 लिख दिया हमने, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH, इसमें 2 CH3, सेम ग्रुप एक बार और लिखना है, तो सेम ग्रुप मतलब यही चीज़ शुरू करोगे, CH2 से है तो अब यहाँ फिर लिखो CH2, इसके बगल में फिर CH2, इसके बगल में फिर CH2, इसके बगल में CH, इससे जुड़े हुए हैं 2 CH3, ऐसा हो गया। तो यह कंपाउंड था बड़ा सा, पहले स्मॉल ब्रैकेट हमने हटाया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको, और फाइनली इस पूरे ग्रुप्स को जोड़ दिए, तो क्या बड़ा सा कंपाउंड यहाँ बना। क्या लगता है एग्जामिनेशन में आएगा तो क्या इतना लिख करके देगा? वैसे तो उसका एक पेज में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे देगा कंडेंस्ड में, फिर इसको स्ट्रक्चर में बदलना होगा, तब फिर आप नाम लिखो चाहे जो भी लिखना है, और उसके बाद होगा। तो यही था कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल, कई एग्जाम्पल्स हमने बताए, आप अपने से कुछ एग्जाम्पल्स लिखने का प्रयास करोगे और उसको सॉल्व करने का, कंडेंस्ड को स्ट्रक्चरल में बदलने का, क्योंकि सबसे पहला परेशानी यही आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे कंडेंस्ड में सभी कि उसको स्ट्रक्चरल में बदले बिना काम नहीं चल पाएगा। अब तीसरा इसमें है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन।
बॉन्ड को दिखाया जाएगा लाइन से। कंडेंस्ड का बेसिकली उल्टा हुआ। कंडेंस्ड में क्या था कि एटम सभी दिखाई देते थे और एटम्स के बीच का कुछ कुछ बॉन्ड दिखाई देता था, तो यहाँ क्या होगा कि एटम्स कुछ कुछ दिखाई देंगे और बॉन्ड सब दिखाई देगा, मतलब कि बॉन्ड को यहाँ लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एटम्स यहाँ बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन तो कभी नहीं दिखाए जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन के अलावे कोई हेट्रो एटम है तो वे दिखाई देंगे, कार्बन हाइड्रोजन नहीं, और बस एटम के बीच का केवल बॉन्ड दिखेगा। और जो बॉन्ड दिखेगा वह कुछ इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा लाइन के द्वारा। तो इस केस में ये जो किनारे है इसको बोला जाता है टर्मिनल्स। क्या बोला जाता है? टर्मिनल्स, किनारा। और ये जो दो लाइन मिल रहे हैं, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, यहाँ फिर यहाँ, तो ये कहलाएगा लाइन जंक्शन, लाइन जंक्शन। तो टर्मिनल्स और लाइन जंक्शन याद रखोगे, ये टर्मिनल्स और लाइन जंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ कार्बन है, कार्बन है। अब कार्बन है तो उसके साथ हाइड्रोजन होगा, कितने हाइड्रोजन होंगे, तो चार बॉन्ड पूरा करने के लिए जितना ज़रूरत पड़ेगा। मतलब यहाँ कार्बन, देखो किनारे में कार्बन, फिर यह बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ मुड़ा हुआ है कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, किनारे में और जहाँ जहाँ मुड़ा हुआ है वहाँ क्या होंगे, कार्बन। कार्बन का बॉन्ड गिनो, चार होने चाहिए, चार है तो ठीक, और नहीं तो चार में जितने कम हैं उतने क्या दोगे, हाइड्रोजन दोगे। तो इस कार्बन का बॉन्ड काउंट करो तो बगल में एक ही है, तो तीन कम है तो तीन हाइड्रोजन। अब तीन हाइड्रोजन को आप यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ कहीं भी लिख सकते हो, मान के चलो हम यहाँ पीछे लिख देते हैं, कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ यहाँ कहीं। अभी जो तीन हाइड्रोजन है ऐसे ही नहीं ना, ये तीनों बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड तरफ है, अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन के बॉन्ड को दिखाना नहीं अलग से। इस कार्बन का बॉन्ड काउंट करो, एक और एक दो, कितने बचे, दो, चार होना चाहिए ना, दो बॉन्ड है मैंने, दो बच गए तो दो हाइड्रोजन लिख दो, यहाँ भी दो बच रहे हैं तो दो हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड है तीन बच रहे हैं तो तीन हाइड्रोजन हो गया, CH3, CH2, CH2, CH3, बस। फिर मान लो यह ऐसे रहे, ऐसे क्या समझोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऐसे बॉन्ड काउंट किया जाए कार्बन का, चार होने चाहिए, नहीं है तो हाइड्रोजन। ये कार्बन के कितने बॉन्ड हुए, दो, कितना कम पड़ रहा है, दो, तो यहाँ दो हाइड्रोजन। इसके कितने बॉन्ड हुए, एक दो तीन, कितना कम पड़ रहा है, एक, तो एक हाइड्रोजन। इसके दो बॉन्ड, कितना कम पड़ रहा है, दो। इस कार्बन को देखो, एक दो तीन चार, चार के चारों बॉन्ड है, मतलब यहाँ कोई हाइड्रोजन देना नहीं है, तो अब यहाँ तीन ही है तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा। डायरेक्टली को बॉन्ड से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, CH2 फिर CH CH2, सी ट्रिपल बॉन्ड CHS। फिर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा कार्बन, किनारे में कार्बन मुड़ा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन या जो ट्रिपल बॉन्ड है देख रहे हो, पूरे में नहीं दिया हुआ, यहीं तक है, इसका मतलब यहाँ एक कार्बन और है ऐसे, और तब ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड है। अभी कार्बन का एक बॉन्ड है तो तीन हाइड्रोजन आएंगे, इसका एक दो तीन चार पूरा है, इसका एक दो तीन, तो एक यहाँ चारों, तो ऐसे भी ध्यान रखना है। अब मान लो फिर इसमें डायरेक्टली केवल ऐसे लिखा हुआ है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक बॉन्ड है मतलब तीन हाइड्रोजन, एक दो तीन, यहाँ भी तीन, मैंने डायरेक्टली ऐसे हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे। तो अच्छे से जो है ध्यान देना। हाँ, अब इसमें से जैसे मान लो कोई रिंग सा रहे ऐसा, इस तरह से, तो हम क्या बोले, कार्बन हाइड्रोजन केवल नहीं दिखेगा लेकिन उसके अलावे कोई एटम है तो उसको लिखा है, लिखा जाएगा, तो ऑक्सीजन है लिखा गया है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ ऐसा बॉन्ड काउंट किया जाए कार्बन के लिए, एक दो तीन, एक हाइड्रोजन, एक दो तीन, एक हाइड्रोजन,
एक दो तीन, एक हाइड्रोजन, एक दो तीन, एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है, हाइड्रोजन केवल किस में लगाओगे, कार्बन में, उसके अलावा कोई एटम है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन है, हेट्रो एटम है तो लोन पेयर होगा, वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बना रहा है, इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 2 लोन पेयर के रूप में, तो इसका मतलब ऐसा हुआ। तो बेसिकली इसमें यही चीज़ है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, कि एटम नहीं दिखाए जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं, हेट्रो एटम होंगे तो दिखाया जाएगा उनको, एटम के बीच का बॉन्ड पता चलेगा। तो उसमें इतना याद रख लेना कि किनारे में, कोना में, जहाँ जहाँ मुड़ा हुआ है उन जगह पे कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितना, तो कार्बन का बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है, बस कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड अगल बगल है तो कोई हाइड्रोजन नहीं, और नहीं है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिए जाएंगे, ताकि कार्बन के बॉन्ड्स कितने हो जाएँ, 4 हो जाएँ। तो यह आसान सा था बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका यही है, कि जैसे तैसे लाइन खींचते रहो केवल, बस हो गया। और एक अंतिम जो स्पेसिफिक कंडीशन में ही यूज किए जाते हैं, वह है इसका 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़े हम लोग, कि कार्बन 4 बॉन्ड जो बनाता है, वह 4 बॉन्ड एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है, एक स्पेसिफिक एंगल पे है, और इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल एक 3D शेप है, और 3D उस शेप को बोलते हैं जिसके सारे पार्ट्स को हम लोग एक बार में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जिसके सारे पार्ट्स एक प्लेन में नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि ये जो कार्बन का यहाँ 4 बॉन्ड है ना, ये चारों बॉन्ड इस तरह से होंगे कि हम लोग को नहीं दिखेंगे, चारों, 2 दिख सकते हैं, 3 दिख सकते हैं, चारों नहीं दिखेंगे। लेकिन अभी तो बॉन्ड बोर्ड पे बनाया है तो सर तो चारों दिख रहा है, तो एक्चुअल में ये चारों अलग अलग डायरेक्शन में है, 3D वे में है, देख पाना पॉसिबल नहीं है। इसमें से कौन सा बॉन्ड देख पाएंगे, कौन सा नहीं देख पाएंगे, वो तो नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि चारों बॉन्ड बस 4 लाइन खींचा हुआ है जो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है चारों। तो इस 3D को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, कि इसमें से 2 बॉन्ड को नॉर्मल लाइन से लिखा जाता है, 1 बॉन्ड को ऐसा मोटा लाइन इस तरह से लिखा जाता है, और फिर 1 बॉन्ड को ऐसा लिखा जाता है, अलग अलग लाइन हुए, ये दोनों नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन या नॉर्मल बॉन्ड बोल दो। ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं वेज लाइन, वेज लाइन, या वेज में भी इसको सॉलिड वेज बोला जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं हैच्ड वेज, हैच्ड वेज। और इसके जगह पर हो सकता है कि नॉर्मल डॉटेड लाइन हो, मतलब ऐसे नॉर्मल डॉटेड भी हो सकता है, ऐसे करके ना हो। ये जो वेज वर्ड है ना, इस वेज का मतलब होता है पच्चड़, नहीं समझ पाओगे, या जो बिलोंग करते हो बेसिकली रूरल एरियाज से वो समझ पाओगे। पच्ची एक होता है ना, पच्ची एक होता है, जैसे मान लो कि ऐसे कोई टेबल बनाया, ठीक है, टेबल का एक पार्ट ऐसे इधर गया है, एक पार्ट इधर, तो यहाँ कोना में एक पच्ची लगाया जाता है ताकि हिले डुले ना, ख़राब ना हो, तो इसको और इसको जकड़े रहता है। तो जो देखोगे जो पच्ची रहता है वो ट्रायंगल टाइप का रहता है, ऐसे ही रहता है, ये ट्रायंगल ही ना दिख रहा है ऐसे करके। तो ये वेज का मतलब पच्चड़, पच्ची जो यहाँ लगता है ऐसे टेबल वगैरह में, देखना गौर करना, लगा हुआ रहता है ताकि वो ख़राब ना हो, हिले डुले ना, उसका जो लगा रहता है, तो वैसा है, इसलिए इसको वेज बोलते हैं। तो 3 तरह के लाइन हुए, नॉर्मल लाइन या नॉर्मल बॉन्ड, फिर हो गया सॉलिड वेज, और तीसरा हो गया हैच्ड वेज। इसमें से ये जो दोनों नॉर्मल लाइन हैं, ये बताते हैं कि इनसे जुड़े हुए ग्रुप प्लेन में है, इन द प्लेन, मतलब ये 2 बॉन्ड प्लेन में है, मतलब बोर्ड पे है। सॉलिड वेज बताता है एबव द प्लेन, एबव द प्लेन, या फिर टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, देखने वाले के तरफ। और यह हैच्ड वेज बताता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देखने वाले से दूर, या फिर
या फिर ये अबव द प्लेन था तो ये हो गया बिलो द प्लेन। मतलब अब इसका मतलब क्या समझना, देखो कि ऐसे जो चार लाइन है, चार बॉन्ड है बेसिकली, तो इसमें से ये दोनों लाइन बोर्ड पे है, ये मोटा वाला जो सॉलिड लाइन है ये ऐसे है बोर्ड से बाहर की ओर, मतलब ये हम लोग के तरफ जो देख रहा है उसके तरफ, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। अरे जो हैच्ड वेज है वो बोर्ड के पीछे है, तो जाहिर सी बात है कि बोर्ड के पीछे वाला नहीं दिखेगा हमें, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए बोले थे ना कि टेट्राहेड्रल 3D है तो चारों बॉन्ड नहीं दिखेगा, तीन दिख पाएगा, एक ही सामने वाला दिखेगा तुम्हें और दो बॉन्ड जो इस बोर्ड पे है वो दिखेगा, ये तो पीछे की तरफ है नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से नहीं पता चलेगा, यहाँ तो सबके सब दिख रहे हैं। तो समझना होगा कि यदि कोई कंपाउंड ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है अलग अलग लाइन से, तो जो डॉटेड लाइन से है, जो हैच्ड वेज से है, वह हम लोग से दूर है, पीछे की तरफ है, वो दिखाई नहीं देगा, और इस सॉलिड वाला सामने में है और ये दोनों प्लेन पे है। या ऐसे समझ लो कि यह मॉलिक्यूल का प्लेन है, तो ये दोनों नॉर्मल बॉन्ड इसी पे होंगे, ये मोटा वाला बॉन्ड ऐसे होगा ऊपर और ये जो हैच्ड वेज है ये नीचे होगा। तो वही लिखे है ना, बिलो द प्लेन मतलब ऐसे नीचे, एबव द प्लेन मतलब ऊपर, और ये दोनों इन द प्लेन मतलब ऐसे। या यदि ऐसे प्लेन है तो फिर मोटा वाला लाइन ऐसे हो जाएगा देखने वाले की तरफ, डॉटेड लाइन ही पीछे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, और बाकी के दो लाइन इसी पर रहेंगे। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग 3D रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं, और यही चार रिप्रेजेंटेशन थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मैंने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो बेसिकली यही चार। अभी 11-12 में कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल बेसिकली पढ़ोगे, उससे थोड़ा आगे जाओगे तो बॉन्ड लाइन पढ़ोगे, और जब बहुत एडवांस ऑर्गेनिक को पढ़ोगे वहाँ फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और सबसे मुश्किल यही होता है 3D वाला। तो खैर आगे की बात है। तो इस तरह से पूरी तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन को समाप्त कर दिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। धन्यवाद।